कैसे बोले संजय सर, सर श्री संजय सर जी, नो योर टाइम इज ओवर संजय सर, नहीं बैठिए बैठिए संजय सर जी। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार ये स्पीच दे रहा हूँ, ये मेरी मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच है सर मेरी। सर्वप्रथम सर मैं आपका मेडन स्पीच मीन्स यू कैन टेक मैक्सिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स सर, जितना बचाओ हम ही दोनों को बोलना था सर, जितना बचाओ दे दीजिएगा। दैट्स व्हाट आई सर, इसलिए मेडन स्पीच के लिए, मेडन स्पीच के लिए मैक्सिमम टाइम इज 15 मिनट सर, ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव सर। अच्छा बोलिए बोलिए सर। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। सर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति मैं पूर्ण श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उनके उद्बोधन में बहुत ही नीतियां और योजनाएं गलत है, उसमें बिल्कुल वो ऐसे ही किया हुआ है जैसे एक किसी फाइल की नोटिंग में होता है जिसमें जमीन की धरातल पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसमें सबसे पहले सर इन्होंने सबका साथ सबका विकास के बारे में कहा है, उसमें मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत नारा है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने, इस केंद्र सरकार ने जहां जहां बीजेपी की शासित राज्यों में सरकारें हैं वहां उनको पूरा सहयोग और विकास में सहायता दी है, लेकिन जहां दूसरे शासित प्रदेश हैं, दूसरी सरकारें हैं, वहां पे उन्होंने उनको कोई साथ नहीं दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केंद्र से संबंधित योजनाएं हैं जिनके लिए पैसा हम लोगों ने मांगा था, पिछले सत्र में हम लोगों ने उसका ध्यान भी आप लोगों की तरफ दिखाया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं किया। तो इसके हिसाब से सर सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपना विकास हो रहा है। सर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं अभी तक चल रही थी वो सब अब पीछे चली गई हैं, सिर्फ एक नोटबंदी की योजना सामने दिख रही है। इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ है क्योंकि वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। सर इसमें हमारे यहां किसानों की सारी फसलें उपजे सारी खराब हो चुकी हैं, उनका सामान सारा नष्ट हो चुका है, बीज नहीं मिले, फर्टिलाइजर नहीं मिली, तो उनका यह सीजन पूरा खराब हो गया। और सर किसान का एक सीजन खराब होता है तो वो पूरे 2 साल तक के लिए उसका उसका आर्थिक चीजें खत्म हो जाती है। इसमें सर इनको कर्ज माफी जो किसानों की थी उसके लिए इन्होंने कुछ भी अपने आज तक उसमें नहीं किया है। श्रमिकों का भी सर बहुत बुरा हाल है, सारे कंस्ट्रक्शन की लेबर्स जो हैं सर वो वापस चली गई हैं, उनके पास पैसा नहीं है और सब अपने अपने क्षेत्रों से वापस जाके पलायन कर चुकी है। व्यापारियों का हाल तो सर सबसे बुरा है, 40-50% उनके बिजनेस खत्म हो चुके हैं और बिजनेस में पैसा नहीं होने की वजह से उनको अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। कर्मचारियों को सर नौकरियां जा रही है तो बेरोजगारी का लेवल अब एक बहुत बड़ा रूप लेता चला जा रहा है। सर इसमें एक चीज जो देखने में इस नोटबंदी में आई कि सैकड़ों सर्कुलर इस पीरियड में जारी हुए, इस सर सर्कुलर्स में ऐसे सर्कुलर भी आए जो मजाक का विषय बने, जैसे एक बना सर 5,000 रुपए केवल आप जमा कर सकते हैं, जब उसका मजाक बना तो उसको दूसरे 24 ही घंटे के अंदर उसको वापस कर दिया गया। तो ये शो करता है सर कि कोई प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें नहीं हो रही थी। सर इसके बाद सर इन्होंने एशलेस इकोनॉमी की तरफ सर सबका ध्यान खींचा। अब सर जिस देश के अंदर ग्रामीण अंचलों में आदमी सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अंगूठा लगाता है, उससे स्मार्टफोन से किसी को मोबाइल बैंकिंग के लिए कहा जाए तो ये बड़ा हंसी की चीज नजर आती है। सबसे पहले साक्षरता की तरफ इन लोगों को देखना चाहिए था, तब ये कैशलेस इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ना चाहिए था।
दूसरा सर, एटीएम्स की पोजीशन जो है वो यहाँ पे जैसा है कि 1,20,000 एटीएम है, जबकि पूरे विश्व में करीबन 1,00,100 एटीएम होते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इसमें सीक्रेसी रखने की क्या जरूरत थी, पहले इसको कर लिया हो जाता तब ये इसको इस नोटबंदी का या कैशलेस की तरफ जाने के लिए करा जाता। सर इनकी एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, सही, एक अच्छी योजना है, लेकिन इसका किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। सर मैंने भी एक वेबसाइट खोल के देखा तो उसमें कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको कौन कैसे कहां से अवेल करेगा। तो सर इसकी पूरी जानकारी, जब आप इतने विज्ञापन सब चीजों के देते हैं तो इसकी डिटेलिंग भी होनी चाहिए कि कैसे ये इसको अवेल कोई कर सकता है, कैसे उसकी इंटरेस्ट की सब्सिडी उसको मिल सकती है। सर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की एक समाजवादी आवास योजना चल रही है। सर उस समाजवादी आवास योजना के अंदर सर हम लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सारे आवास उपलब्ध करा रहे हैं। सर इसके अंदर ये योजना वहां पे हाथों हाथ चल रही है और करीबन लाखों मकान इस योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। तो मैं तो केंद्र सरकार से कहूंगा उस योजना को देखें और सारे दूसरे स्टेट्स में भी उसको लागू करें। सर इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि गरीबों के मकान को देने के लिए अगर केंद्र सरकार बहुत जिम्मेदारी से कह रही है तो उनको 2 कमरे का एक मकान किसी गरीब आदमी को इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दे के करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में सर जिसकी 10,000 से 15,000 रुपए की तनख्वाह है वो इंटरेस्ट नहीं दे सकता, चाहे उसको सब्सिडी भी मिल रही हो, तो उसको 2 कमरे का मकान एक उसमें उसको प्रोवाइड कराने के लिए लोन का इंटरेस्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सर एक ये मैं मानता हूं कि राइट टू हाउसिंग का फंडामेंटल राइट की तरह होना चाहिए और शीघ्र ही संसद में एक कंपल्सरी हाउसिंग बिल भी लाना चाहिए। सर इसके बाद सर एक स्वस्थ भारत मिशन का जिक्र किया गया है, ये बहुत अच्छी योजना है और सर इसमें हमारे हिसाब से पूरे भारतवर्ष को इसमें पूरा सहयोग देके करना चाहिए। लेकिन सर इसमें जो आज के दिन में टॉयलेट्स बन रहे हैं, जिसका सबसे मेजर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर चीज चल रही है, उसकी सर मेंटेनेंस का कोई तरीका नहीं है। जितने टॉयलेट बने, किसी का दरवाजा टूट गया, किसी की सीट टूट गई, किसी की छत टूट गई और वो बर्बाद हो रहा है पैसा, कैपिटल अमाउंट उसका टोटल बर्बाद हो रहा है। तो मेरा सजेशन सर केंद्र सरकार जी के लिए ये होगा कि उसको किसी, जैसे हमारा सुलभ शौचालय की मेंटेनेंस एजेंसी है, वैसे ही इस तरह की कोई एजेंसी को लगाना चाहिए जो इसको मेंटेन कर सके। दूसरा सर इसमें स्वच्छ भारत में एक जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि सारे शहरों के गंदे नाले और नालियां सब नदी में गिर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको एसटीपी लगा के उसका पानी साफ करके नदियों में गिराए, तो चूंकि हम लोग इसका सरचार्ज भी ले रहे हैं स्वच्छ भारत का और इनके पास पैसा भी आ रहा है, तो एसटीपी लगाने का पैसा स्टेट्स को मिलना चाहिए जिससे हमारी नदियां साफ हो, क्योंकि नदियां साफ होंगी तो वो शहर और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि सर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं और कॉरपोरेट्स हैं, बैंक के मुख्यालय हैं, सर वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ नहीं है और हम लोगों का सबसे ज्यादा बिजनेस वो हम लोगों की, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम ही लोगों से उनको बिजनेस भी मिलता है। तो सर उनके सीएसआर के तरीके से कुछ ऐसा केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कि वो पैसा जो बिजनेस कर रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज सीएसआर के रूप में उनको उस स्टेट में खर्च करना चाहिए, जिससे कि वहां टॉयलेट का काम हो सके या और जो भी सीएसआर के रूप में काम हो सकते हैं वो हो सके। सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इस पूरे अभिभाषण में एक चैप्टर रहा है। सर मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
जितनी भी योजनाएं आपके यहां से चलाई जा रही हैं, वो जमीन पे कोई नहीं दिख रही है। हम लोगों ने सर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 23 महीने में एक 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा का बना के तैयार कर दिया। 23 महीने में सर मकान नहीं बनता है, 302 किलोमीटर का लैंड एक्विजिशन करके सारा हम लोगों ने उसको तैयार कर दिया और आज वो चालू भी हो चुका है। जबकि सर लखनऊ के अंदर एक आउटर रिंग रोड की जिस वक्त आपकी सरकार बनी थी, वहां के सांसद ने ये कहा था कि एक आउटर रिंग रोड बनेगी, आज 2.5-3 साल हो गया, उसका कहीं शुरुआत नहीं हुई। तो इस तरह से सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब तक आप तेजी से नहीं करेंगे वो फाइलों में पड़ा ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए भी सर सिर्फ बातें से नहीं चलना चाहिए। सर विदेश नीति के ऊपर भी इसमें कहा गया है, सर हम लोगों के अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे संबंध बताए जा रहे थे, लेकिन जब से ये नए प्रेसिडेंट साहब आए, इन्होंने H-1B वीजा के लिए रोजगार हटाने की बात करने लगे। तो अगर सर इसके ऊपर कुछ होता है, अब ये तो हम लोगों की सरकार को जाके उनसे बात करनी चाहिए कि ये हम लोगों के इतने इम्प्लॉय, इतने नौजवान वहां काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से नहीं हटे। लेकिन अगर कुछ होता है तो हमें अपने देश के अंदर रोजगार देने के लिए कुछ इकाइयां, कुछ नौकरियां ऐसी तैयार करनी चाहिए जिससे उनको यहां पे आए तो उनको नौकरी मिले, बेरोजगारी ना रहे। दूसरा सर, कंस्ट्रक्शन में भी सर इतनी बेरोजगारी होती जा रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कि पिछले 2016 के आखिरी क्वार्टर में 23,000 आदमी निकाले गए हैं। तो सर सब तरफ एक ऐसा माहौल हो रहा है जिसका कि मतलब देख के लगता है कि सब तरफ बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। इसको 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 देखने पे सर दूसरा ये है कि हमारे सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उसके लिए भी सर वहां पे कुछ ऐसी इकाइयां लाने के लिए इनका विचार होना चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं और ना जाएं और उसी प्रदेश में काम करें, उनकी चाहे वो सरकारी हो चाहे अर्धसरकारी इकाइयां लगे जिससे उसके ऊपर उन लोगों को नौकरी मिल सके। सर स्वास्थ्य के ऊपर इसमें कहीं पे कुछ नहीं दिखाया गया है, कुछ नहीं लिखा है। सर हम लोगों की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समाजवादी स्वास्थ्य सेवा करके एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है 108 नंबर की। सर वो इतनी सक्सेसफुल हो रही है, वहां पे हर को 10 मिनट में 15 मिनट में एक एम्बुलेंस की जिसको जरूरत होती है वो वहां पहुंचती है। तो हम लोग अपने संसाधनों से तो सब कर रहे हैं लेकिन हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सहायता नहीं मिल रही है जिससे हम और उसको बढ़ा सके। तो हम चाहेंगे कि उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को मदद मिलनी चाहिए। सर इसमें एनवायरमेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इसका भी कोई उल्लेख ऐसा नहीं है उसके अंदर, और उसमें क्या प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी कुछ और पता होना चाहिए। सर हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ एक दिन में लगा के गिनीज बुक रिकॉर्ड का। एक मिनट बचा जी सर, बस एक मिनट। सर इसमें 5 करोड़ पेड़ हम लोगों ने लगाए। अब सर एक मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा सर कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कई सम्मानित व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनको जिनकी शताब्दी, जन शताब्दी आदि मनाई जा रही है। सर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और उपन्यासकार सब वहां पे उनके पैतृक स्थान है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। अब उनके सर पैतृक स्थानों की हालत बहुत ही खराब है, उनके सारे मकान वकान गिर चुके हैं। तो सर हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार उसको भी वहां पे ऐसे स्मारक बनाए या उसको ऐसा रेस्टोर करे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उसको पूरी तरह से देख सके। सर इसी क्रम में एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। सर इसमें सर देश में, हमारे देश में एक
गरीब किसान के घर में जंग लेकर जल्दी लोहिया जी के सिद्धांतों सर बस एक मिनट लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलकर पिछले 50 वर्षों से किसानों और गरीबों के मसीहा धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने देश को सभी वर्गों धर्मों और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, उन 3 बार वो सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी केंद्र सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सम्मानित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।